नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि किस एप्लीकेशन में हम हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में कंपैरिजन करूंगा ग्रो ऐप का और धन एप्लीकेशन का। इन दोनों में से कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, तो इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा, और धन एप्लीकेशन में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको कितना चार्ज लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन में से ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इन दोनों एप्लीकेशन मतलब कि स्टार्ट कब हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ग्रो ऐप है उसकी जो लॉन्च डेट है वो 2017 की है, यानी कि जो ग्रो एप्लीकेशन है वो 2017 में लॉन्च हुई थी और धन एप्लीकेशन 2021 में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर जो ग्रो ऐप है वो थोड़ी ज़्यादा पुरानी है और जो धन एप्लीकेशन है वो थोड़ी नई नई है, यानी कि धन एप्लीकेशन अभी नई नई मार्केट में आई है। अब अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं और धन एप्लीकेशन के 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है। धन एप्लीकेशन के डाउनलोड कम इसलिए हैं क्योंकि धन एप्लीकेशन अभी नई नई मार्केट में आई है और ग्रो एप्लीकेशन बहुत पुरानी है, इसी वजह से ग्रो एप्लीकेशन के डाउनलोड थोड़े से ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक्टिव यूज़र्स कितने हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन पर एक्टिव यूज़र्स 40 लाख से ज़्यादा हैं और धन एप्लीकेशन में अभी कोई डाटा आया नहीं है एक्टिव यूज़र्स का। तो यहाँ पर आपको यह पता चल गया होगा कि एक्टिव यूज़र्स दोनों एप्लीकेशन में कितने हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों एप्लीकेशन में जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो कितना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज ग्रो एप्लीकेशन में 0 है और धन एप्लीकेशन में भी 0 है, यानी कि आपको अकाउंट ओपन करवाने के दोनों एप्लीकेशन में 1 भी रुपये नहीं देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज दोनों एप्लीकेशन में कितना है। तो यहाँ पर अगर हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो जो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ग्रो एप्लीकेशन में भी 1 भी रुपये नहीं देना है और धन एप्लीकेशन में भी 1 भी रुपये नहीं देना है, यानी कि दोनों एप्लीकेशन में आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अब हम ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी की बात करते हैं, यानी कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने के बाद बेचते हैं, उनकी डिलीवरी पूरी करते हैं, तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप ग्रो ऐप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये डिलीवरी पर चार्ज लग सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदने के बाद बेचेंगे तो आपको ग्रो एप्लीकेशन में कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20%, और दूसरी तरफ अगर आप धन एप्लीकेशन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको 0 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने में और बेचने में 1 भी रुपये खर्च नहीं होगा। तो अगर आप बिगनर हैं और शेयर मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं तो आप धन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ रहा है चार्ज के रूप में किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस कंडीशन में किस एप्लीकेशन में कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये, और धन एप्लीकेशन में आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो धन एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको कम परसेंट देना पड़ रहा है, यानी कि कम से कम 0.03% और यहाँ पर 0.05%। तो इस कंडीशन में भी जो धन एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बेहतर है ग्रो के मुकाबले। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में आपको ग्रो एप्लीकेशन में भी 1 भी रुपये नहीं देना है और धन एप्लीकेशन में भी आपको 1 भी रुपये नहीं देना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस की। जो डीपी चार्जेस हैं वो तब लगते हैं जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद उन्हें बेचते हैं, तो उस दिन जितने भी शेयर हम बेचते हैं उन शेयर का हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। हम कितने भी शेयर बेचें पर उससे मतलब नहीं है, अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर बेचेंगे तो एक कंपनी के शेयर बेचने पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डीपी चार्ज है वो ग्रो एप्लीकेशन में 13.5 रुपये प्लस GST है और धन एप्लीकेशन में 12.5 रुपये प्लस GST। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो डीपी चार्जेस हैं वो धन एप्लीकेशन के ज़्यादा कम हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कम चार्ज देना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर ग्रो में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा
और धन में भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी मतलब अंतर या डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है। तो यानी कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दोनों सेम है। पर लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का या फिर किसी कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने का, तो इस कंडीशन में आप धन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आपको बहुत कम चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, जैसे कि जो कॉपी जो पूरी दिख जाए, जिससे कि आप क्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके बाद आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं इसको थोड़ा सा एक अच्छे एंगल में कर देता हूँ जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप कभी भी आगे चलकर मतलब कि इन चार्जेस को देख सकें, कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि अब हम यह देखेंगे कि इन दोनों की लाइव वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि इन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट को हम ओपन करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किसी भी कंपनी के अगर हम शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा और कितना चार्ज लगेगा। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करेंगे और वहाँ पर लाइव देखेंगे कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने में ग्रो ऐप में कितना चार्ज देना पड़ेगा और धन ऐप में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ग्रो ऐप की मतलब जो ग्रो ऐप है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्रो ऐप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर, इक्विटी डिलीवरी, यानी किसी भी शेयर को अगर हम डिलीवर करते हैं यानी बेचते हैं तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी में 10 ले रखा है, यानी कि 10 शेयर हम किसी कंपनी के खरीदेंगे 1000 रुपये की रेट में और उन्हें हम बेचेंगे 1100 रुपये की रेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो हमारा P&L है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, वो 1000 रुपये का है, यानी कि हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, उसमें से चार्ज कटने के बाद हमें कितने रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल चार्जेस हैं वो 35 रुपये 72 पैसे हैं, जिसमें से ग्रो के चार्ज हैं 10.5 रुपये और नॉन ग्रो चार्ज यानी 25 रुपये हैं, यानी कि कुछ टैक्स वगैरह है या फिर गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह हैं उन पर आपको ये चार्ज वगैरह देने हैं। तो टोटल आपका 1000 रुपये में से जो चार्ज वगैरह अगर हम काट दें तो आपके जो अकाउंट में है वो 964 रुपये आएंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इन चार्ज में DP चार्ज इंक्लूड नहीं किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, DP चार्ज ऑफ ₹13.5 प्लस GST विल बी चार्ज फॉर सेल वंस पर ट्रेडिंग डे पर कंपनी। तो ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो ये हमें खुद से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ₹13.5 प्लस GST देखें तो ये ₹16 हो जाएगा। अगर हम ₹964 में से ₹16 माइनस करें तो यहाँ पर कुछ ₹948 बचेंगे। तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं और ₹1000 में खरीदते हैं और ₹1100 में बेच देते हैं तो ₹1000 का प्रॉफिट होता है और चार्ज कटने के बाद आपके अकाउंट में मतलब जो प्रॉफिट है वो ₹948 आएगा। अब हम बात करते हैं धन एप्लीकेशन में कि अगर हम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से धन एप्लीकेशन में अगर बाइंग और सेलिंग करते हैं किसी कंपनी के शेयर की तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा और कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने धन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली और यहाँ पर धन का हमने जो कैलकुलेटर है उसे ओपन कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने शेयर प्राइस डाली है ₹1000, यानी ₹1000 के हमने 10 शेयर खरीदे हैं, क्वांटिटी में हमने 10 शेयर डाल दिए हैं और सेलिंग प्राइस डाल दिए ₹1100। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमने डाल दिया है फॉर डिलीवरी पर सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो ट्रेड वैल्यू है वो ₹21000, जैसा कि आपने ग्रो ऐप में भी देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर भी ₹1000 का हुआ है और यहाँ पर जो आपको टोटल चार्ज देने पड़ेंगे वो ₹38 देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा और क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा ₹961। यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो DP चार्ज लिखा हुआ है, DP चार्ज 14.75 पैसे, तो यहाँ पर ये ऐसा है कि डिलीवरी DP चार्ज यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जो ग्रो ऐप में मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपसे मतलब कि DP चार्ज वहाँ पर काट के नहीं दिखाए गए थे, इसलिए हमने खुद से DP चार्ज वहाँ पर काटे थे। पर यहाँ पर DP चार्ज सब कुछ काट कर ही यहाँ पर सारे चार्ज आपको बताए गए हैं। जो टोटल चार्जेस हैं वो ₹38 लग रहे हैं और यहाँ पर आपके ₹38 कटने के बाद ₹961 आपके अकाउंट में आएंगे, मतलब सारे चार्ज कटने के बाद।
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप धन एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर मतलब बेचते हैं तो आपको बिल्कुल भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो 38 रुपये हमारे कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप साफ साफ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोकरेज 0 रुपये, यानी कि आपको ब्रोकरेज 1 भी रुपये नहीं देना पड़ रहा है। पर लेकिन जो 38 रुपये हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं DP चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, सिक्योरिटी, सेबी टर्नओवर चार्ज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें और भी कई सारे चार्ज वगैरह देने पड़ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो धन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ रहा है, जो भी ये चार्ज आप दे रहे हैं ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि धन एप्लीकेशन में अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसमें कितना क्या प्रॉफिट लॉस होता है, और ग्रो एप्लीकेशन में अगर हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो कितना क्या प्रॉफिट लॉस होता है। दोनों एप्लीकेशन में मैंने आपको लाइव प्रूफ मतलब कैलकुलेटर पर सब कुछ करके दिखाया है कि अगर हम किसी भी कंपनी के 1000 रुपये की रेट में अगर 10 शेयर खरीदते हैं और 1100 रुपये में बेचते हैं तो कितना क्या प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट में से कितना चार्ज वगैरह कटकर हमारे अकाउंट में आएगा। तो अगर आप बिगनर हैं और शेयर मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप धन एप्लीकेशन से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि धन एप्लीकेशन में मतलब कि आपसे बहुत कम चार्ज लिए जा रहे हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, डिलीवरी पर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, अकाउंट खोलने पर भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, अकाउंट मेंटेनेंस के रूप में भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप धन एप्लीकेशन से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। चाहे धन एप्लीकेशन अभी नई नई है मार्केट में, पर लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कम चार्ज देना पड़ रहा है ग्रो एप्लीकेशन की तुलना में। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप धन एप्लीकेशन की शुरू मतलब धन एप्लीकेशन की मदद से शेयर मार्केट की में शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर डीमार्ट अकाउंट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।